सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ, प्ले स्टोर में एक नया ऐप लॉन्च हुआ जिस ऐप का नाम है भीम यूपीआई मनी। इस ऐप को आपको डाउनलोड करके कैसे आपको इस्तेमाल करना इस वीडियो में पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने छोटे रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, घंटे प्रेस करिए ताकि यूट्यूब से ऐसे रिलेटेड वीडियो आपको चैनल पर मिलती रहेगी। फिर मैंने आपको भीम यूपीआई मनी ऐप को डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इसको मैं इसमें इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद क्या क्या प्रोसीजर था चलिए इस वीडियो में दिखाऊंगा। ऐप डाउनलोड हो गया, चलिए मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन होने के बाद आपके पास इस तरह का आपके पास डिस्प्ले यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे देखिए आपको इस तरह का आपको यहाँ पे डिस्प्ले शो होगा। आपको यहाँ पे गेट स्टेटस पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो आपका मोबाइल नंबर है जो बैंक से लिंक है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना है। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर साइड में एक एरर है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी का आपको यहाँ पे टाइप कर ऑटोमेटिकली ये रिटैक ले लेगा। यहाँ पे आपको कंटिन्यू विथ आधार पे क्लिक करना है। इस पर के लिए आपको अलाउ पे क्लिक करना है। फिर आपके पास परमिशन आएगा, इसको अलाउ दे देना। फिर से आपको यहाँ पर अलाउ दे देना, अलाउ दे देना। अलाउ करते 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 देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा यहाँ प्रोसेस योर रिक्वेस्ट, यहाँ पर आपको थोड़ा देखें ये वेटिंग ले रहा है। अब आपको यहाँ पर देखें आपको अपना आधार नंबर डालना है। चलिए मैं यहाँ पे आधार नंबर अपना यहाँ पे मैं टाइप कर दे रहा हूँ। यहाँ कंप्लीट योर केवाईसी, आपको आधार नंबर यहाँ पे टाइप करना डाल दिया। आप डम उसको एक्सेप्ट करना, यहाँ पे इस पर क्लिक करना। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ा लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद देखिए ये कैप्चा, आपको ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर जैसे कैपिटल स्मॉल में लिखा है सेम वैसा ही आपको डालना है। यहाँ पर होम इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग ले रहा है यहाँ पर। अब देखिए जो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओ टी पी सेंड भेजा जाएगा, ओ टी पी को आपको यहाँ पे डालना, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ये थोड़ा प्रोसेसिंग ले रहा है। यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए आपको पैन नंबर आपको डालना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे मैं पैन नंबर डाल दे रहा हूँ, नंबर मैंने डाल दिया। अब इस पर आपको क्लिक करना। इस पर जैसे क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पर थैंक्स, इस पर आपको क्लिक करना। आपको परमिशन मांगा, आपको अलाउ दे देना। अब देखिए आपको सेल्फी लेने का, आपको यहाँ पे सेल्फी आपको ले लेना। सेल्फी में ले लिया। अब इस पर आपको टिक पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक आपको सबमिट सेल्फी क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी मंगा जा रहा है। आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए ये एप्लीकेशन यहाँ पे ये पूरा पूरी तरीके से यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। देखिए आपको यहाँ पे क्या क्या आपको बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है सो आपको यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। इनसे पहले आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे बैलेंस, यहाँ पे देखिए व्यू डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ऐड बैंक, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको पूरी बैंक की यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे पूरे बैंक की लिस्ट मिल जाएगी। जो बैंक आप ऐड करना चाहते हो वो बैंक को यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद तभी यहाँ पे आप कोई काम कर पाएंगे। यहाँ पे आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, डिश रिचार्ज कर सकते हैं, तभी यहाँ पे कोई फैसिलिटी आप यहाँ पे ले पाएंगे। आपको बैंक अकाउंट यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद देखिए आपको जितना बैलेंस आपको अकाउंट में रहेगा सब आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। आपको बैलेंस ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद जो भी जो काम को करना है आपको रिचार्ज कर सकते हैं, बैंक टू बैंक यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्यू आर कोड स्कैन करके पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कार्ड टू बैंक ट्रांसफर यहाँ से कर सकते हैं। पूरा फैसिलिटी आप यहाँ से कर सकते हैं। बैंक अकाउंट ऐड करके तभी आप यहाँ मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। जितना फैसिलिटी आपको इस बैंक में आपको यहाँ पे इस ऐप में आपको यहाँ पे मिल जाता है। अभी इसमें आपको एक डेबिट कार्ड भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑल सर्विस पे जाएंगे, यहाँ देखिए आपको बहुत सारा फैसिलिटी आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए लोन का मिल जाएगा आपको, यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज, डिश रिचार्ज, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट कार्ड आपको यहाँ पे सब आपको फैसिलिटी आपको इस एप्लीकेशन में आपको देखने को मिलता है। इसमें आप किसी कस्टमर का रिचार्ज भी इस यहाँ से आप कर सकते हैं। सब कुछ यहाँ से आपको स्टोरी में जाएंगे तो आपको स्टोरी मिल जाएगा यहाँ पे, कितना आपने पैसा आपको ये मिला है, कितना आपका टोटल यहाँ पे रिवॉर्ड है, सब आपको यहाँ पर शो कर जाएंगे। यहाँ ऑफर में जाएंगे देखिए आपको यहाँ पर आपको देखिए बहुत सारा आपको यहाँ पर कैशबैक मिल जाएगा। देखिए आपको जो टिकट आप बुक कर सकते इसका भी आपको कैशबैक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। होम पे जाएंगे देखिए आपको ये सब आपको यहाँ पे फैसिलिटी आपको इस एप्लीकेशन आपको देखनी है। इस पर प्रोफाइल पे जाएंगे देखिए आपको बहुत सारा देखें प्रोफाइल अकाउंट का यहाँ पे देखिए आपको इसी से आपको फैसिलिटी इस ऐप में आपको देखने के लिए मिल जाता है।
चलिए यहाँ से मैं, आई होप ये वीडियो आपको पसंद, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड का शेयर कीजिए, मन में कोई कन्फ्यूजन कमेंट करें आप नीचे पूछ सकते हैं।